हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बुलेट की साउंड के लिए बात कर रहे हैं। तो आजकल चालान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अगर साइलेंसर हम चेंज कर लेते हैं, बट हमें लोकल में साइलेंसर चाहिए भी होता है कि थोड़ी सी थंब चाहिए और थोड़ी सी बेस चाहिए। बट उसके लिए ये है कि अगर बाहर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। होता भी है क्योंकि किसी का कमज़ोर दिल होता है या फिर कोई एजेड लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने अच्छा कर रखा है वैसे, और साउंड इरिटेट भी करता है वो अगर रेगुलर चलती रहे बुलेट तो, खुद भी बंदा परेशान होता है। उसके लिए एक मैंने पहले भी वीडियो डाली थी बट वो वीडियो पूरी क्लियर नहीं हो पाई थी लोगों को। मेरे पास कमेंट में एक बंदे का एक मैसेज भी आया था कि भैया ये वीडियो दोबारा बनाओ, तो मैं उस वीडियो को दोबारा बनाता हूँ। डीबी किलर का काम करती है हमारी RX100 की जाली होती है, उसे डीबी किलर नाम दे सकते हैं हम। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें कैसे ये इंस्टॉल हो सकती है। और ये मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास सलेंसर है तो वही वाले सलेंसर में लगेगी जो मतलब छोटे बोर के होते हैं। एक हमारा बड़ा बोर भी होता है और एक छोटा बोर भी होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो होप सो आप सबको समझ आ जाए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, देख सकते हैं आप के दो मेरे पास सिलेंसर हैं। तो इसका आप, मैं बोर की जो बात कर रहा था, मैं एसी बोर की बात कर रहा था। इसका आप रेडियस देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो आप दूसरा ही देख सकते हैं ये कितना छोटा सा है। तो मैं यही यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास दोनों पुराने पड़े थे किसी के यूज्ड हैं। तो वीडियो बनाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि नए खोलने की जरूरत पड़ेगी। आपको समझाने के लिए बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला आपका सलेंसर है बड़े रेडियस वाला, तो देख सकते हैं दोनों सेम ही है, बट इनके जो ये लास्ट के जो बोर्स हैं ये बड़ा बोर कहते हैं और इसको छोटा बोर कहते हैं। तो अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें तो भूल जाएं कि इसमें डीबी कलर लग भी सकता है। अगर लग भी जाएगा तो साउंड अच्छी प्रॉपर भी नहीं आएगी, ना ही आपको कोई बेनिफिट मिलेगा डीबी कलर का। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम सलेंसर है, दोनों के आप साइज भी देख सकते हैं, दोनों के स्पेसर्स वगैरह देख सकते हैं जहाँ पे ये डिस्टेंस पीस वगैरह हैं, मतलब ये डिस्टेंस पीस का ही काम करते हैं। स्पेसर्स वगैरह जितना भी होते हैं, कई लोग नट बोल्ट भी लगा के लगाते हैं सेटिंग में, वो हमारा बात का काम है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस यही है कि ये जो बोर है हमारा, ये प्रॉपर हमारा ये RX100 की जाली है, मार्केट में हमको मिल जाएगी 100-150 रुपये की मिल जाती है, अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं करोल बाग से लेके आया था जब मैं रिस्टोर कर रहा था अपनी RX100, 2-4 कर चुका हूँ वैसे। तो आपको यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट भी मिलेगा। तो ये भी अभी किसी कस्टमर से ही उतारा है, वो भी राइड पे गए हुए हैं, तो उन्होंने अपना जेन्युइन सिलेंसर लगा रखा है। तो मैंने सोचा कि इसी पे वीडियो बना ली जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल जाली है और ये हमारा पूरा अंदर से खोखला होता है, आप देख सकते हैं आर पार दिख रहा होगा आपको, ये आप देख सकते हैं इसको आर पार दिख रहा होगा। आई होप सो आपको पूरा अंदर तक दिख रहा होगा, खाली है। ये आप देख सकते हैं ब्लू ब्लू इस तक कुछ दिख भी रहा है, तो ये पूरा ही खाली है। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे हमने होल कर रखा है इसमें 10 नंबर का ड्रिल से। तो वो इसलिए कर रखा था कि ये जो हमारा बोल्ट है ये प्रॉपर फिट हो जाए, इतना भी नहीं लूज़ करना है कि ये पूरा हिले डुले। तो ये हमारे साथ जो जाली आई हुई है, हमने बस कुछ नहीं करना है इसको, बस इसके अंदर डाल के, और आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा बोल्ट का था उसमें हमें सिर्फ बोल्ट ही लगाना है, क्योंकि नट तो हमारे जाली के साथ वेल्ड होके आता है। और ये साउंड भी मैं सुनाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये लग चुका है पूरा, कुछ ऐसा दिखेगा बाद में डीबी किलर की तरह। आप देख सकते हैं वो होल कवर हो चुका है पूरा का पूरा। तो यही मैं आपको जाली अब लगा के अपनी बुलेट में लगा के दिखाता हूँ। ये इतना बुरा भी नहीं लगता कि ऐसे पता भी नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ लगा पड़ा है कि नहीं लगा पड़ा। ये बस हमारा 10 नंबर के बोल्ट पे ही पूरा टिका होता है पूरी जाली अंदर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि आर पार नहीं दिखेगा हमें कुछ भी, पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, वो आपको दिख रहा है गोल सा, वो हमारी जाली है जो हमने लगाई है अभी। ये देख सकते हैं, आई होप सो आप सबको दिख रहा होगा जाली पूरी बंद है, तो ये थोड़ी नॉइस कंट्रोल कर लेती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे चलान होगा कि नहीं होगा, बट ये है कि साउंड में थोड़ी डिक्रीजिंग हो जाएगी।
तो यही, अब चलते हैं बुलेट के पास अपनी और लगा के देखते हैं यही जाली कि क्या साउंड बनता है। सो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपना सेंसर लगा रखा है, उसका भी बोर ऐसे ही है। यहाँ पे मैंने भी पहले ही यहाँ पे 10 नंबर का छेद कर चुका हूँ, यहाँ पे आई आपको सबको दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंसर कितना भी बड़ा हो बट उसका बोर छोटा होना चाहिए, तभी फ़ायदा है डीबी के लिए लगाने का। तो मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। बुलेट थोड़ी गंदी पड़ी थी, बहुत दिन से वॉश नहीं कर पाया और चलाने को नहीं मिला, दिवाली तक बंद ही पड़ी थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, दिवाली में थोड़ा बिजी था। तो अब हमने चाबी लगा दी है, तो आपको सबको साउंड सुन रहा होगा ये। कितना लाउड साउंड है इसका, मैंने पेन भी चेंज कर रखा है इसका, तो एक बार और सुनाता हूँ आपको। तो ये कभी कभार इरिटेशन सा फील करवाता है, तो इसके लिए हमने जुगाड़ बना रखा है एक सेंसर, बार बार चेंज ना करना पड़े। तो वही डीबी किलर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ अभी, तो वीडियो में बने रहें। तो भाई देख सकते हैं, वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत करना, उसी में ही पता लगेगा आपको कि साउंड में क्या डिक्रीजिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं आपको स्टार्ट करके ही बुलेट चेंज करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप है पूरी की पूरी। तो देन अब मैं उसके साथ ही डीबी किलर लगाने वाला हूँ, तो आप खुद ही जज करें। सो गाइज़ आपने देखा कि हमने कितने सस्ते में भी कह सकते हैं और साउंड को कैसे डिक्रीज़ करा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और भी बताएं अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें, ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स और थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहती है मेरे चैनल्स पे, तो आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू।